इसके लिए अब हम सबसे पहले कोई बेस मानते हैं। तो जैसे कि अपन ने पावर के लिए बेस माना, तो बेस वोल्ट एम्पियर। इसको आपने VA बेस लिख दिया। दूसरा आपने वोल्टेज का बेस माना, इसको VB बेस, और ये आपकी वोल्ट में होगी। अगर आपको दो बेस क्वांटिटीज मान ली है आपने, तो अब आपको और चीज़ मानने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बाकी के बेस क्वांटिटीज आपको कैलकुलेट करनी होगी। अब कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, जैसे कि आप बेस करंट निकालना चाहते हैं, आई बेस। तो बेस करंट, अब जनरली अब हम ये क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज आपका क्या होता है, करंट। P इजिकल टू VI होता है, या फिर S इजिकल टू VA आप अपेरेंट पावर की बात करते हैं। तो यहाँ पे VA बेस डिवाइडेड बाय VB वोल्टेज बेस, तो ये आपकी जो ये है आई बेस है जो निकल के आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपको बेस इम्पीडेंस निकालनी है, जेड बी, देन आपको इसके लिए वोल्ट का बेस डिवाइडेड बाय करंट का बेस, और इसको अगर आप मॉडिफाई करके लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज का बेस और जो ऊपर वाली टर्म्स हैं करंट की, उसकी वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो ये हो जाएगा VA बेस ओम्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें इसमें बेसिकली दो चीज़ हैं जो कि हमें माननी पड़ेंगी, जो कि हमें अज्यूम करनी पड़ेंगी। एक है आपकी वोल्ट एम्पियर बेस और दूसरा है वोल्टेज बेस। उसके बाद में बाकी जो हमारा पावर सिस्टम है, उसमें सारी चीज़ें आपको इन्हीं दोनों बेसिस बेस के आधार पर यूनिट में कैलकुलेट करनी होगी। वो होंगे आपके चाहे करंट हो, चाहे इम्पीडेंस हो, चाहे रिएक्टेंस हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, जो भी चीज़ है आपकी, वो इन बेसों को आधार मानते हुए नेक्स्ट बेस क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, और उसकी नेक्स्ट बेस, उसकी जो बेस क्वांटिटी है उसके आधार पर हम पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।